अस्सलाम वालेकुम इंजीनियर्स, वेलकम टू द गाइड पोर्टल। बहुत ही छोटी और क्विक वीडियो जिसमें आपको पेपर्स की भी बताऊंगा और एक बहुत ज़रूरी बात भी। बहुत ज़रूरी बात पहले सुन लें। ज़रूरी बात यह है कि अगर आप मैथ में 100 में से 100 नंबर लेना चाहते हैं तो उसका एक सिंपल फार्मूला यही है कि आपको तमाम क्वेश्चंस को अपने हाथ से एक मरतबा करना होगा। अगर आप क्वेश्चंस को अपने एक मरतबा हाथ से नहीं करेंगे तो आप लोगों के 100 में से 100 मार्क्स नहीं आ सकते। पेपर स्कीम को आपने यूज़ कैसे कर रहे हैं, सबसे पहले उन चैप्टर्स को, उन क्वेश्चंस को मार्क करें जो आपने 100% अटैम्प्ट करने हैं। उनके तमाम क्वेश्चन को बुक से देखकर आप एक मरतबा अपने हाथ से गुजारें। उसके बाद उनको चैप्टर्स को और क्वेश्चंस को टारगेट करें जो आपने एक्स्ट्रा अटैम्प्ट करने हैं। उन क्वेश्चन को बेशक ज़ुबानी देख लें, और अगर आप ज़्यादा बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो फिर आप उनके डिफ़िकल्ट स्टेप्स या इंपॉर्टेंट स्टेप्स को एक मरतबा अपने हाथ से करके देखें। क्योंकि आप लोगों को मार्क्स को फुल लेने के लिए सबसे ज़्यादा फोकस MCQs पे करना पड़ेगा जो बहुत कॉन्सेप्चुअल होते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन पे करना पड़ेगा जिसमें एक्सरसाइज के अलावा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें आपको पास्ट पेपर बहुत हेल्प करेंगे। शुरू करते हैं मैथ की पेपर स्कीम को। क्वेश्चन नंबर 1 MCQs हैं जो कि यूनिट नंबर 1, 2, 5, 9, 10, 11, 13 और 14 में से एक एक MCQ आएगा। यूनिट नंबर 3, 4, 6, 7, 8, 12 में से दो दो MCQs आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिसमें आपने 8 में से 12 करने होते हैं। या यूनिट नंबर 1, 2, 3 और 4 से तीन तीन शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपने 8 करने 12 में से। यूनिट नंबर 7 और 5 में से दो दो शॉर्ट क्वेश्चन, यूनिट नंबर 6 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन और यूनिट नंबर 8 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपने 8 में से 12 करने हैं। यूनिट नंबर 9, 10 और 12 में से तीन तीन शॉर्ट क्वेश्चन, यूनिट नंबर 11 और 13 में से एक एक शॉर्ट क्वेश्चन और यूनिट नंबर 14 में से दो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद बात करेंगे हम लॉन्ग क्वेश्चन की। लॉन्ग क्वेश्चन में आपने 3 करने होते हैं 5 में से। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका ए पार्ट यूनिट नंबर 2 में से, बी पार्ट 6 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट 3 में से, बी पार्ट या 7 में से आएगा या 5 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट 4 में से और बी पार्ट 8 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट 9 में से और बी पार्ट 10 में से आएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट 12 में से और बी पार्ट 13 में से आएगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट नोट है जो आपने समझना है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। लॉन्ग क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री वाली कम्बिनेशन यही रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री के अलावा जो मैंने कम्बिनेशन बताया है वो 90% यही रहेगा। लेकिन पंजाब के क्योंकि 8-9 बोर्ड हैं तो उन बोर्ड्स के अंदर ये वाला कम्बिनेशन थोड़ा चेंज आ सकता है। मान लें कि लाहौर बोर्ड में भी किसी क्वेश्चन का एक आधा पार्ट किसी और चैप्टर से आ सकता है। तो ये पेपर स्कीम जो है इसमें डिफरेंस इस बार आ रहा है SLOs की वजह से। फिर भी 90% यही पेपर स्कीम यूज़ होगी, तो आप लोग इसी को फॉलो करके लेके चलें। ट्रिग्नोमेट्री वाली सेम रहेगी, और ट्रिग्नोमेट्री के अलावा कोई है तो उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आने के चांसेस हैं। मैथ की पेपर स्कीम की तरह की मैंने बाकी सब्जेक्ट की पेपर स्कीम भी इस चैनल पर अपलोड कर दी है, उनको भी आप देख सकते हैं। एक वीडियो ऐसी है जिसमें मैंने सभी सब्जेक्ट की पेपर स्कीम एक ही वीडियो में डाली है, आप उसको भी देख सकते हैं। और सून इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि टाइम निकाल के लिए आपके लिए गेस्ट पेपर भी अपलोड कर दूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़।